तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज भी हम पहुंचे हुए हैं यादव डेयरी फार्म पर, जो कि है गोसाईगंज में। और ये अभी यहां पर कुछ गिर गाय उतरी हैं, ये देखें पीछे भी काफ़ी सारी बंधी हुई हैं, और इधर कुछ बछड़ियाँ भी हैं ये देखें, और इधर। तो ब्रिजवान भाई नमस्कार। नमस्कार जी। आज मैं ब्रिजवान सिंह यादव डेयरी फार्म लखनऊ गोसाईगंज से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, सबसे पहले मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय लोग कॉन्टैक्ट नंबर जो है खोजते हैं वीडियो के देखने से पहले। तो 99 84 74 43 48 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। तो आज कहाँ से आई हैं गाय? आज ये गाय जो है गुजरात से आई हुई हैं। कितनी गाय हैं कुल हमारे पास? 13-14 गाय हैं। 13-14 गाय, दो बछड़ियाँ और एक। तो ये अभी उतरी है क्या? गाड़ी भी खड़ी हुई है, उतरी हुई है। ये देखें इधर, ये राजस्थान में गाड़ी पलटा हुई है। अच्छा। और रेस्ट हुआ था, दो दिन पहले आई थी, प्रेग्नेंट थी सभी जो है, कल बच्चा कर दी हैं, काफ़ी गाय बच्चा कर दी हैं। ठीक है। और ये तो ये पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे प्रेग्नेंट है, तीसरी बार बच्चा करेगी। तीसरी बार आगे तीसरी बार बच्चा करेगी। अभी कितना टाइम ले जाएगी? अभी समय ले लेगी जो है, एक सप्ताह का समय ले लेगी। एक सप्ताह भी? एक सप्ताह समय ले लेगी। ये जी, अच्छी ऑर्डर क्वालिटी की गाय है। तो क्या दूध की उम्मीद रहेगी इससे? दूध तो हम 15 के ऊपर ही बताएंगे, 14-15 एक अनुमान लेके चले जी। बाकी हमें तो 20+ बताया गया है। अच्छा, 20+ इसमें भी प्लस। तो ये देखें पास से अडर जो देख सकते हैं आप, थोड़ा डर रही है। डर रही है, अभी तुरंत सफ़र करके उतरी है जी। और बेहतरीन हम की फुल भारी गाय है, अच्छी निकल सकती है कोई, एकदम कान क्वालिटी बेहतरीन है, इसको हम चला के दिखा सकते हैं। ये देखें क्वालिटी है, मुँह मत्था काफ़ी भारी आ गया, बेहतरीन है एकदम, हम कान सभी बेहतरीन है। इस सीजन की ये बेहतरीन गाय है, सबसे हमने कहा था आपसे इससे पहले भी वीडियो में कि पर डे हर बार, मतलब हर लॉट में एक अनमोल चीज़ आती ही रहेगी, हर बार इससे बेहतर कुछ करेंगे। तो हमने पिछले लॉट से ज़्यादा बेहतर जो है, ऐसी एक और गाय थी पिछली बार भारी इसी तरह की, इसे ऐसी ही थी, लेकिन ऑर्डर में ये कॉर्न में मत्थे में बहुत बेहतरीन है जी, सबसे अच्छा गोत्र है, शांत भी बहुत है। ये देखें अभी तुरंत सफ़र करके उतरी है, इसमें बिल्कुल थकान नहीं महसूस हो रही है। बंद। तो कीमत इसकी क्या कुछ रहेगी? कीमत दोनों गाय जो है हम 3 लाख रुपए में ये जोड़ा कह सकते हैं। जोड़ा ठीक है। ये वाली हाइट में काफ़ी ज़्यादा है, ये हाइट में ज़्यादा है। अभी कितना टाइम लेगी ये? ये अभी जो है 10 दिन का समय अभी ले लेगी। 10 दिन ब्यात में कौन सा है? ब्यात में अभी तीसरा है। तीसरा ब्यात जी, सीधी है बिल्कुल। ये देखें निकाल लेना इधर मैदान में। तो क्या दूध की उम्मीद रहेगी इससे? ये भी जो है 14-15 किलो हम अनुमान लगाते हैं, इसमें तो 20+ बताया गया था, इसमें भी हम 14-15 ही बताएंगे जी, बाकी कोई 20 दूध है अच्छी बात है। हाइट काफ़ी अच्छी है इसकी? हाँ, हाइट अच्छी है, मत्था बेहतरीन है, सींग कान सभी, शांत भी बहुत है, दोनों गाय शांत हैं। नीचे से अभी ऑर्डर और करेगी? हाँ, ऑर्डर बहुत बेहतरीन करेगी, अभी ऑर्डर तो बहुत करेगी। हाइट में सबसे ज़्यादा है अगर देखें जुत्ती का, लंबाई हाइट दोनों चीज़ें हैं। अधिकतर हम कहा भी करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि जिन गायों में लंबाई अच्छी होगी उस दूध अच्छा करेंगे जी। पतली चमड़ी की कोई वो भी नहीं लग रहा है कि भारी फैट और शरीर थनों का गैप, चार थन एकदम साफ सुथरा है, छोटा लगा है उससे कोई दिक्कत नहीं जी। ये देख सकते हैं एकदम महीन चमड़ी की गाय है बिल्कुल, और सीधी भी है देखें बिल्कुल खड़ी है मस्त एकदम, कान क्वालिटी आप देख सकते हैं बेहतरीन है इसका, पूंछ भी जमीन को टच कर रही है, हर तरह से पास है अगर देखें बेहतरीन कोई। तो इन दोनों का बताया 3 लाख जोड़े का इस। हाँ, मांगने का जो है 3.5 लाख रुपए, लेकिन लास्ट जो है हम फाइनल 3 लाख रुपए लेंगे, मतलब ज्यादा कोई नेगोशिएशन का काम नहीं करेंगे। ठीक, 3 लाख रुपए। इसके आगे ये दूसरी बछिया है, दूसरे बार की है, प्रेग्नेंट है अभी, और 10-12 दिन का समय ले लेगी अभी, अभी 10 दिन आगे 10 दिन का समय ले लेगी। तो क्या दूध की उम्मीद रहेगी इससे?
दूध ये भी जो है 12 किलो करेगी। 12 किलो 12 किलो आसानी से करेगी। नई बछिया है पीछे तक बढ़िया। बंद भैया इसको अभी चमक रही है जो गाड़ी से उतरी है। नई जगह आई है तो बढ़ा दिया। मैं सिम रही रस्म बात दो रस्म अभी गाड़ी से जो है उतरी है ना तो कुछ अभी लग रहा उतरी है उतर के बंदी है उतरी है अभी सब जो है सेंसिटिव होती है देसी नस्लें और परेशान तो है हैं अभी इनको खोला बढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा कोई माला मोहरी भी चेंज नहीं हुआ है अभी कुछ नहीं चेंज हुआ है अभी तो गाड़ी उतरी है तुरंत उतार के बांधे आपके सामने जी और तुरंत जो है इनका ये बहुत अच्छी गाय है। इसका मत्था आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन छोटा सा मुँह पूरा मत्था पलटा हुआ लेकिन अभी ये लेट है इधर बढ़ाना सीधे 2 महीना जो है अभी समय लेगी। अभी 2 महीना आ गया 2 महीने का समय ले लेगी बच्चा करने में। लंबाई में बढ़िया है अगर ये वाली लंबाई देखें सभी बेहतरीन है ये लंबी तो सभी गाय हैं इस बार कोई गाय गोल नहीं है और शांत भी बहुत हैं। कितना टाइम ले जाएगी अभी इसमें तो अभी जो है 1.5-2 महीने का समय ले लेगी। अभी ड्राई हुई है मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने का समय लेगी बच्चा करने में लेगी। बहुत क्वालिटी दार बच्चिया है और दूसरी ही है दूसरे ब्यात की है। दूध की क्या उम्मीद रहेगी इससे? दूध ये 15+ की है बताया गया है वहाँ पे 15+ 17-18 लीटर बताया गया है लेकिन हम मानते हैं कि जो है 14 किलो दूध आसानी से कर देगी। तो ऑर्डर भरेगा तो ऑर्डर बहुत बनेगा। ये देखिए थन भी दूर दूर हो जाएंगे मेरे ख्याल से सभी थनों का गैप है काफ़ी गैप है इसमें जी। तो ये इधर भी कुछ गाय हैं अपने पास? हाँ वो तो साहिवाल है पहले की तरह ठीक है वो तो बिल्कुल हमेशा मिलती रहेंगी। गिर भी भारी संख्या में आज हमारे पास है। बछड़ियों की क्वालिटी देखिए आप ये देखें फुल हाइट की और फुल कान की काफ़ी बढ़िया है। अगर पहले से तुरंत ले जाने के बाद तुरंत सीमन अभी अदंत हैं कितने महीने दाती नहीं है उम्र अगर अभी दाती नहीं है बछड़िया नहीं फिर भी महीने के हिसाब से अगर कोई 2.5 साल में दाती हैं और लगभग ये 2 साल के करीब बछड़िया हैं 2 साल के 2 साल लगभग इनकी उम्र है एकदम बच्ची हैं। जोड़ा है दोनों का बेहतरीन पीछे की तरफ सींग और कान भी बहुत बेहतरीन है। नीचे से साफ है नीचे से एकदम साफ है एकदम साफ सुथरा है नीचे से बड़ा बड़ा थन एकदम हल्का सा एक थन है वो एक थन छोटा सा लगा है वो अलग है वो भी सभी थनों से। ये बिल्कुल ये देखें 4 थन है ये बछड़ी भी आई है कबरी ये बछड़ी इसके साथ में ये बछड़ी दी हुई है ये कितने दिन की ब्याई होगी हो गया है ये आज 8 दिन की ब्याई हुई है 8 दिन की 8 दिन की। दूध इसमें बछड़ी को जन्म दिया है 9 लीटर दूध है अभी 9 लीटर अभी 9 लीटर है ठीक है। कल ही कल वाली इसकी जो मतलब आज रात को जो गाड़ी आई थी उसमें बछड़ियाँ और ये गाय और ये बछिया और वो गाय अच्छा हाँ वो उसमें आई थी तो इसीलिए जो है इनका भी दुहान शुरू हो चुका था। इस बार ब्यात में दूसरा है इस बार दूसरा ब्यात है। और इसकी कीमत क्या कर रहे हैं? इसकी कीमत जो है 1,40,000 रुपये 1,40,000 इसकी कीमत क्या थी? इसकी कीमत जो है 1,00,000 रुपये रखें 1,00,000 और एक ये वाली वो वाली जो है 1,10,000 रुपये 1,10,000 1,10,000 की बढ़िया बनेगी मतलब बहुत अच्छी बनेगी कच्ची है लेकिन बहुत शांति है। ये देखें हम भी काफ़ी इसके मत्था बढ़िया ये देखें बहुत हाई क्वालिटी का कान भी है जी बिल्कुल थन भी बहुत अच्छा है जाएगी किसान के वहाँ आराम से सेट हो जाएगी। एक ये पहली बछड़ी है हमारे पास ये देखें ये तो तैयारी पे है ये जिस दिन बच्चा दे दे 24 से 48 घंटे में दे दे या एक दो दिन और रुक जाए लोडिंग पे तो थोड़ा और बहुत छोटे सींग की बछड़ी है ये देखें एकदम शांत है। तो ब्यात में कौन से इस बार? दांत में चार है और ब्यात में ये पहला ब्यात पहली बार बच्चा देगी। पहले ब्यात में काफी बड़ा थन है और ठोस अडर की है पूरी ठोस अडर की है और ठोस बॉडी की भी है हम्प भी पूरा मेंटेन है छोटे सींग में है काबरा नीचे स्पॉट भी है गर्दन में। दूध की उम्मीद इसमें क्या रहेगी? दूध ये करेगी 12 किलो 12 किलो 12 किलो करेगी फर्स्ट टाइम में। और कीमत इसकी? कीमत इसकी 1,05,000 बढ़िया मजबूत बॉडी की है ये देखें लोडिंग पे आई है कोई कमज़ोर नहीं लग रही है बहुत अच्छी बछड़ी और सीधी भी बिल्कुल है बहुत शांत है ये देखें एकदम लग रहा है कि जैसे पत्थर की बनी हुई है बिल्कुल जहाँ खड़ी करती वहीं पे खड़ी है रस्सी डाल के कोई ले चलिए। अच्छी सेवा हुई है इसकी खाने में तेज रही है नई बछड़ी है अभी तो अभी गिर गाय बराबर आ रही है बराबर गाड़ी आ रही है मेरे ख्याल से मिलती रहेंगी साहिवाल की मिलती रहेंगी और पहले की अपेक्षा जो है
भारी लॉट हमारे पास गिर के मिलते रहेंगे जी। क्वालिटी में कोई? क्वालिटी में तो आप देख सकते हैं कितना सुधार हो गया है, दिन दिन और सुधार होता जा रहा है। अभी शेड का काम भी चल रहा है पीछे। हाँ, वो कहते कहते तो कई वीडियो में हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया बारिश होने के कारण। तो और बछड़ियाँ इसीलिए नहीं आ रही हैं ज़्यादा? हाँ, बछड़िया यही कि बांधने वाली दिक्कत आप देख रहे हैं कि वो व्यवस्था जो हमारे पास रहती थी इसमें वो व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये सेट कंप्लीट हो जाने के बाद जो है अच्छी व्यवस्था जो है इनमें जरूर जो है। ये गाय आगे ये बच्चा दी है कल की और बछड़ी को जन्म दिया इसने, साथ में बछड़ी है। इसका कान आप देख सकते हैं जो है, अभी तक ये जितनी भी गाय यहाँ पे हैं सभी से जो है सबसे चौड़ा और पीछे को रडार सींग इनका। तो ये ब्यांत में कौन सा इस बार? ब्यांत में इस बार दूसरी है, दूसरा ब्यांत और बछड़ी को जन्म दिया है। कल ही बछड़ी दी है, काबरी है ये, कल का बच्चा दी है। देखिए अभी पेओ से निकाला गया है, एकदम पीला बिल्कुल। बछड़ी भी अच्छी क्वालिटी की, बछड़ी का कान जो है दोनों जुड़ रहा है नीचे से एकदम, और आगे से मुंह इसका काफी आगे से बहुत बेहतरीन है, शांत भी बहुत है पीछे की ओर। गाय जिस हिसाब से सफर करके आई है इस हिसाब से अच्छा दुहा रही है, और लोगों को जो है नए लोगों को भी अपने पास जाने दे रही है। नहीं तो गिर का आप स्वभाव देखे भी हैं, इससे पहले भी आप कई वीडियो बनाने आए हैं हमारे पास गाड़ी उतरते हुए कि गाड़ी पे उतारते समय गिर तरह आक्रामक, काफ़ी सतर्कता से उतारना पड़ता है, लेकिन बहुत शांति से एकदम उतरी है, शांति से दुहान। तो ये सेल हो गई है क्या? हाँ, ये जा रही है, आंटी जी ने लिया है, फरुखाबाद जाएगी। ठीक है। ये बहुत ही शानदार बछिया है जी, दूसरे बार की है ब्यात में, दूसरा है ब्यात में, दूसरा बहुत ही। कलर इसका देखें सबसे, कलर डार्क, सींग, कान, मत्था सभी बहुत बेहतरीन है जी। चलो चलो, ब्यात में इस बार? ब्यात में दूसरा है इस बार, दूसरा ब्यात है, दूसरे ब्यात की है। क्वालिटी बहुत बेहतरीन है इसकी। तो ये ब्याई हुई है? हाँ, ये ब्याई हुई है। कितने दिन की ब्याई है अभी? ये कल ही बच्चा दिया है। कल तो क्या दूध की उम्मीद रहती है इससे? दूध ये करेगी 14 किलो। 14 किलो, 14 किलो करेगी फर्स्ट टाइम इस बार भी है। कीमत में बच्चा दी हुई है सीधी है बिल्कुल, कीमत में 1.5 लाख रुपए की छूटेगी। 1.5 लाख। थकी हुई हैं सब? थकी है, अभी 2 दिन रेस्ट करेंगी बेहतर हो जाएंगी। ये देखें जो ऑर्डर है काफ़ी बढ़िया, बहुत बेहतरीन ऑर्डर है, हम्प सींग मत्था सभी बेहतरीन है इसका। उसके आगे ये तीन, आज ये तीनों लीलड़ी हैं, एक ही तरह की हैं, तीनों लीलड़ी हैं, तीनों एक ही तरह की हैं। ये ब्यांत में इस बार कौन सा है? ये इस बार जो है दूसरी है, दूसरा ब्यांत है, दूसरी ब्यांत है। ये देखें शांति है एकदम, पीछे भी काफ़ी जगह है, एकदम शांत है। कितना टाइम ले लेगी अभी है? ये अभी जो है 20 दिन का समय ले लेगी, 20 से 25 दिन का समय। आगे 20 दिन जी। तो क्या दूध की उम्मीद रहेगी इससे? ये दूध करेगी 12 किलो करेगी, 12 किलो 12 किलो, 6 किलो पर टाइम करेगी। हम इसका बेहतरीन है, और मत्था सिंह दोनों सीधी भी है बिल्कुल, आराम भी बहुत है। ले चलिए। तो कीमत इसकी क्या कुछ रहेगी? इसकी कीमत भी जो है 1,45,000। 1,45,000। ये देखें, एक मिनट आगे से देखें, काफ़ी बढ़िया ऑर्डर आगे की ओर। बहुत थनों का गैप बेहतरीन है, ले चलिए, चारों थनों का गैप बहुत बेहतरीन है इसका। ये देखें, अभी सफ़र करके आई हैं, थकान में है, कल शाम की खाई हुई हैं, अभी अभी ये देखें चारा पानी खाएंगी, जब जो है 2-4 दिन तक जो है अपने आगे की ओर। काफ़ी बढ़िया ऑर्डर, बहुत बेहतरीन है। तो खाने पीने में सब पीछे से बहुत चौड़ी है, उतनी खाने पीने में तभी सभी गाय जो है 1 से 2 दिन में सब पूरा आके सेट हो जा रही हैं जी, एक तीसरे दिन चौथे दिन जो है पूरे अपने चेहरे पर आ जाती हैं। ठीक है, आगे ये लीलड़ी है और ये भी बछिया दी है, बछड़ी, ये बछड़ी को जन्म दी है। ये 10 लीटर दूध इसमें जो है मौके पे प्रेजेंट में तैयार है। 10 लीटर अभी कोई 10 लीटर 5 लीटर कोई भी टाइम पे दूध दुहा के ले जा सकता है। ब्यांत में? ब्यांत में दूसरा इस बार, 6 दांत की है, दूसरा ब्यांत है, दूसरा ब्यांत है, बढ़ा दो खुल के। इसके नीचे भी बहुत अच्छी बछड़ी है, ये हर लॉट में 1-2 लीलड़ी आ जा रही है। ये देखें इस बार हर तरह की गाय हो तो देखिए सबका अलग अलग गोत्रों पे जो है पसंद है, कोई काबरी पसंद करता है, कोई लाल लेता है। थन काफ़ी बढ़िया है, अगर थन बहुत बेहतरीन है। धार दुहान इसका कैसा है? बहुत अच्छा है, कोई भी आके बता तो 1-2 टाइम रुक के दुहा के तब दूध निकलवा अच्छा। के तब ले जा सकता है। तो कीमत इसकी क्या कुछ है? कीमत इसका जो है बहुत छोटा कीमत है जी, मात्र 90,000 रुपये। 90,000 में साथ में बछड़ी भी है? साथ में बछड़ी भी है। ये देखें बहुत टॉप क्वालिटी की बछड़ी है, गाय की तरह बछड़ी है।
आगे की ओर ज़्यादा डर है अगर देखें? नहीं, वो आ जाता है जो अभी सफ़र से आई है ना, दो दुहान इनका हो चुका है। अच्छा, इनका दुहान हो चुका है, दूध निकल चुका है। आगे ये जो है ये भी आई है, बछड़ा, बछड़े को जन्म दी है ये। साथ में बछड़ा इसके? हाँ, साथ में बछड़ा है इसके। काबरा है? काबरा। तो ये ब्यांत में इस बार कौन सा है? ब्यांत में इस बार तीसरा है। तीसरा ब्यांत? तीसरी ब्यांत के, दूसरी भी हो सकती है लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान जो है कहता है ये तीसरा है। सींग देखें इसका, काफ़ी बढ़िया है। अगर सींग बहुत बेहतरीन, पीछे की ओर मत्था भी बहुत बेहतरीन है। 5-6 दिन की बच्चा दी हुई है। 5-6 दिन की अभी आगे। अभी इन पे सब पे धूल जमी हुई है और जिस समय इन पे पानी पड़ेगा बहुत अच्छी चमक आ जाएगी इसमें। हाँ, शांति एकदम, धुने बनाने में एकदम सीधी है। धार दुहान भी बहुत अच्छा है, लंबाई बहुत है इसमें। ये देखें ब्यात में, ये बताया ब्यात दूसरा, दूसरा तीसरा हो सकती है। ठीक है, और दूध कितना कर देगी? दूध ये करेगी जो है 11 किलो 12 किलो। 11 किलो। इसकी कीमत क्या रहेगी? इसकी कीमत रहेगी जो है 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000। बहुत अच्छी गाय है। थन इसके काफ़ी बढ़िया है। थन भी बहुत बेहतरीन है, सिर्फ बछड़ा है इसमें। बछड़ी होती तो, बछड़ी होती तो हमें कहाँ मिलती। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी होती है। गाय भी अभी नई है जी, और आप देख सकते हैं जो है मतलब हम एकदम बेहतरीन, अलग से थोड़ा अलग है। अगर देखें गाय अब तक जितना मत्था सभी गायों से अलग एकदम हट के जो है, और दुहान इतनी सीधी है, इतनी सीधी है कि कोई भी कैसे भी बैठ जाए दुहने के लिए, मतलब कहीं भी बैठ जाए। बच्चा छोड़ दीजिए इसका दुहान, कोई हाथ पैर नहीं चलाती है, मतलब एकदम शांत दुहान। ये देखिए धार सीधी है, बहुत और अच्छा धार है, मतलब जो कभी गाय नहीं दुहा वो दुहेगा, इतने शांत है, मतलब एकदम मुलायम है कोई। ये तो दुहान करके आई है जी, क्योंकि वो सभी प्रेग्नेंट थी तो सब बच्चा की है गाड़ी में रास्ते अच्छा। में, और ये जो है मतलब ब्याई हुई थी तो वहाँ पे 5 लीटर टाइम पे जो है दुहा के आई है बच्चा पिलाने के बाद। ले चलिए, बांध दीजिए। तो कहाँ गुजरात से फिर रुकते हो? राजस्थान? गुजरात से आके राजस्थान में इनको रेस्ट दिया जाता है क्योंकि गाय है। बिल्कुल, इनको भी थकान आता है, वहाँ से सफ़र काफ़ी लंबा आता है जी, लंबा सफ़र है तो इसलिए बीच में इनको आधी दूरी पर रेस्ट दे दिया जाता है। अच्छा, ये गाय, ये भी जो है इस बार दूसरी बछिया है, दूसरे बार की, 6 दांत की है। हम्प इसका काफ़ी भारी है, बेहतरीन हम्प है, एकदम लाल कलर की है। ये देखें डार्क कलर, नाभी और थनों का गैप डार्क कलर की, हम्प सीधी एकदम शांत है। आगे से देखें काफ़ी बढ़िया साफ सुथरा, गलकंबल भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है इसका, बहुत बेहतरीन है। इस बार सभी गोत्र जो है, लगभग कई गोत्र जो है देखने को मिल रहे हैं, और सभी फुल हाइट की लंबाई, ये देखें चमक की बछिया है, काफ़ी हाइट में ये शांत है। बिल्कुल, हाइट जो है। तो ये दूध में कितना रहेगी? दूध में अभी जो है 13-14 लीटर दूध करेगी। 13 लीटर 13-14 लीटर दूध करेगी, अभी जो है प्रेग्नेंट है अभी। कीमत इसकी क्या रहेगी? कीमत इसकी जो है 1,40,000 रहेगी। 1,40,000 नई बछड़ी है अभी। आगे से देखें हम भी इसका काफ़ी बढ़िया, ये देखें बेहतरीन है, मत्था भी उभरा हुआ, सींग क्या कर रही है। तो ये बुल भी एक और? हाँ, ये बुल आया है, 2 दांत का बच्चा है। 2 दांत? हाँ, अभी लीलड़ा है एकदम, हमारे ही बुल जैसा है जी, बच्चा है, सर्विस देने लगा है, हाइट भी अच्छी है, लंबाई भी अच्छी है। अभी दांतों में कैसा है? दांत में 2 है अभी। 2 दांत, बहुत शांत है एकदम सीधा। ये ऑर्डर पे आया है किसी के। अच्छा, किसी ने मंगाया था ये? जी, ये गोरखपुर जाएगा, गोरखपुर के लिए। वैसे तो हमें एक बुल जो है बिहार के लिए देना है जी, हर हर महादेव मंदिर पे, बहुत ज़्यादा परेशान है भैया जी, उनका फ़ोन कल भी आ भी रहा था, शायद वो वीडियो देखेंगे इसलिए हमने पहले से उनको बता दिया कि हम उनको बहुत जल्दी। ये देखें आगे से काफ़ी देंगे, ये देखें छोटी आँख का है और अभी बच्चा है। तो ये सेल है, मतलब पहले सेल है ये, पहले से जो है। तो कोई बुल मंगाना चाहे जैसे गाय हो किसी के पास, तो बुल जो है हम उपलब्ध करा देंगे, उपलब्ध करा। जैसे एक बुल तो कोई ला नहीं सकता, तो नहीं एक बुल गाड़ी आ सकता, गाड़ी में गाय को साथ आएगा जी, और ये बच्चा भी आया हुआ। तो कहाँ से लिया था इसको? ये भी जो है गुजरात का है, वहीं का है, गुजरात का है जी। बच्चा है अभी, अभी देख सकते हैं जो है, कितना छोटा मुँह, कितनी छोटी सींग, अभी कोई इसकी उम्र नहीं है, अभी रहने दे, अभी उतरा तो उतरा है, ले हम बेहतरीन बच्चा है अभी, सर्विस देने लगा है बहुत, जिस समय अपने उस पर आएगा समय पे। तो हमारा जब बुल आया था इससे छोटा था जी, बिल्कुल वो तो इससे छोटा था, बहुत छोटा था,
तो जहाँ जा रहा है वहाँ अपनी गाय गई है क्या? हाँ, गाय गई है, काफी सारी गाय गई है, साहिवाल गाय भी है, गिर गाय भी है। अच्छा। और कुछ वहाँ पे क्रॉस ब्रीड गाय भी है, और क्रॉस ब्रीड और गिर गाय अधिकतर जो है गिर गाय के बुल से अगर जो करा दी जाए तो इसमें गिरलैंडो जो है क्रॉस ब्रीड में जो है तैयार होता है। जी जी। तो इसलिए जो है अधिकतर लोग डेयरी फार्म वाले लोग इस पे ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं कि अगर जो गिर का बुल अच्छा हो तो उसमें गिरलैंडो जो है बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। तो जैसे वहाँ से वीडियो भेजी थी आपने जो, वहाँ तो काफ़ी गाय अलग लग रही थी अगर देखा जाए थोड़ा, सभी गाय जो हल्की लग रही थी बिल्कुल, और यहाँ पे आने के बाद सारी गाय जो है सभी गाय भारी एकदम भारी भरकम देख सकते हैं आप जो है पर डे हमारे पास। हमने कहा अभी इससे ज़्यादा भी हम अभी सुधार करेंगे और क्वालिटी अभी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ाएंगे क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी जितनी हम बढ़ा रहे हैं उतना ही लोग जो है उस पर मांग कर रहे हैं कि नहीं सर आप और अच्छी चाहिए, और अच्छी चीज़ चाहिए हमें जी। और हमें भी लाने में अच्छा लग रहा है कि और अच्छी चीज़ जो है, हम भी देख रहे हैं कि और अच्छी चीज़ लाते हैं जी, और अच्छी चीज़ ही लोग पसंद कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे अच्छी अच्छी हम लाते जा रहे हैं, लोग आते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइम अच्छी गायों का ही चुनाव करते हैं बिल्कुल, वो तो है ही, जो कोई आएगा जो आता है सबसे पहले पैसा भी लगा रहा है उतना तो, क्योंकि लोग गिर गाय तो अधिकतर वही लोग पालते हैं, शौकीन लोग पालते हैं जी जी। तो जब एक ही गाय रखना है उनको तो सोचते हैं कि क्यों ना हम अच्छी पालें, वही तो ऐसी गाय बराबर बराबर मिलती रहेंगी। और ये अभी अब इस बार तो शायद अगले वीडियो में आपको जरूर कंप्लीट मिलेगा जी। अब यहाँ तक पहुँच गया, अगर देखें अब यहाँ तक पहुँच गया है, अब इसमें टीन रख जाएगा तो यहाँ पे क्या प्लान है? इसमें पूरा गिर रहेगा, पूरा इसमें गिर गाय रहेगा, और बहुत जल्द जो है हम अपने फार्म पे जो है घोड़ा लाने वाले हैं। अच्छा, घोड़ा एक घोड़ा आएगा जी, और घोड़ा और साढ़ और गिर की गाय इसी में रहेंगी, पीछे जो है बछड़ियाँ रहेंगी पीछे की ओर, इसके पीछे जो है जाल बनाएंगे उसमें गिर की बछड़ियाँ रहेंगी जी। बाकी इधर साहिवाल और क्रॉसब्रीड का काम भी बराबर चलता रहेगा। साहिवाल तो बराबर जैसे आ रही तो थी, बुध को आ रही है बराबर। हाँ, सोमवार को भी जो है हमारे पास आ रही हैं, सोमवार को 20 से 25 गाय और मंगलवार की रात को 50 गाय। तो मंगलवार को ही कोई आ जाए तो? हाँ, मंगलवार को जो है साहिवाल जिसको लेना है वो और क्रॉसब्रीड लेना है जिनको जी, वो मंगलवार को जो है रात को आ सकते हैं या बुधवार को सुबह आ सकते हैं। बुधवार को सुबह इस समय ज़्यादा बुलाते हैं क्योंकि मंगलवार की रात को इधर निकाय चुनाव हमारे वहाँ है जी जी, नगर निगम लगता है जी, तो इसलिए जो है आचार संहिता के कारण भीड़ नहीं, रात को भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए हम बुधवार को सुबह ही सबको जो है आमंत्रित करते हैं कि बुधवार को सुबह आए और दिन में देख के गाय आराम से अपने मन पसंद उसी दिन आराम से चली भी जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट तो हम करा देते हैं, यूपी वालों को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी यूपी से सटे हुए प्रदेश उनको भी जो है कोई दिक्कत नहीं, उनको भी उपलब्ध करा देते हैं जी। गिर के लिए फ़ोन कर लें, हमारा व्हाट्सअप नंबर 99 84 74 43, भाई साहब का नंबर है 91 98 13 15 13, चंद्रभान भैया, और छोटे वाले जयभान सिंह का उनका 83 54 95 83 45, ठीक है, ये तीन कॉन्टेक्ट नंबर है, तीन कॉन्टेक्ट नंबर। तो कीमत भी बता दी गई है सभी? हाँ, कुछ कीमत लगभग हमने सभी गायों की बता दी है, जो पसंद हो उसी हिसाब से, जो गाय पसंद हो स्क्रीन शॉट भेज कर या वैसी गाय बोल कर कि नहीं ऐसी गाय चाहिए, बाई चांस वो बिक गई हो सकता है बिक जाए तो वैसी दूसरी गाय जो सेम तो नहीं हो सकती लेकिन वैसे मिलती जुलती जो है जरूर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो इतनी बढ़िया गाय दिखाने के लिए धन्यवाद। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे फार्म पे आए, और आप आकर यहाँ पे बहुत जल्द जल्द आकर हम जैसे ही आपको सूचना देते हैं आप तुरंत जो है आते हैं, और किसान गाय देखने में भी हमको भी मज़ा ही आता है अगर देखें, सारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं देश एवं प्रदेश के सभी को जो है जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी चैनल के माध्यम से जिन लोगों को हमारे फार्म का नज़ारा देखने को मिलता है, फार्म पे गायों का रेट, गाय और उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं जो हमें पता है और आपको हम आपकी चैनल के माध्यम से हम उन किसान भाइयों तक पहुंचा पाते हैं वो आपके ही द्वारा पहुँचा, तो कोई अगर आपको बहुत बहुत गाय देखने भी आना चाहे आ सकता है जैसे लेना देखने के लिए या गौ प्रेमी है, ऐसा नहीं है सभी लोग, कोई नहीं रख सकता है किसी के पास जगह नहीं है, तो उनके लिए कोई बैन नहीं, हमारे फार्म पे आके किसी भी टाइम फ्री में लखनऊ से सटे हुए या बाहर से कहीं इधर से यूपी से गुजर रहे हो हमारे फार्म के नज़दीक से, हमारा फार्म एक बार फिर आपको जो है एक बड़े चिन्ह के तौर पे अपने फार्म का स्थान बता दे रहे हैं, गोसाईगंज में जहाँ पे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है बिल्कुल वहीं पे हमारा जो है ब्लॉक गोसाईगंज पड़ता है, और ब्लॉक से मात्र 300 मीटर की दूरी पे मोहल्लालगंज रोड है, रोड पे ही है, रोड पे ही ऑन रोड हमारा फार्म पड़ता है। जो लोग गाय नहीं रखने के जगह है, वो
गाय के लिए उनको प्रेम है जी जी, क्योंकि गाय से लगभग हमें लगता है हिंदू धर्म में सभी को प्रेम बिल्कुल, है बिल्कुल। और अन्य धर्मों को भी गाय से प्रेम है, हमारे पास कई काफी लोग आते हैं जो है, हाँ सभी से प्रेम है, जो लोग पशुओं से प्रेम रखते हैं गाय से सर्वप्रथम जो है उनको लगाव रहता है, गाय तो हमारी माता है, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। आज हम इन्हीं के बीच में रहकर बड़े हुए हैं और इतना कुछ सीखे हैं, सब इन्हीं का आशीर्वाद और इन्हीं की सबका जो है कृपा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और जल्द मिलेंगे हम आप लोग को नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।